हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एंशंट इंडियन हिस्ट्री और कल्चर सीरीज में मौर्यन एम्पायर करेंगे। मौर्यन एम्पायर से रिलेटेड अभी हम लोगों ने जस्ट पहले एक वीडियो किया था, जहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि मौर्यास के आने से पहले मगध जो महाजनपद था, जो सबसे बड़ा महाजनपद था, उसमें किन किन डायनेस्टीज का रूल था। और हम लोगों ने जो नंद डायनेस्टी थी, महापद्मानंद और जो लास्ट रूलर था, हम लोगों ने वहां तक कर लिया था, धनानंद तक। और मैंने बताया था कि धनानंद के आते आते तक मगध एम्पायर काफी फैल चुका था, काफी बड़ा बन चुका था। और उस समय वही टाइम था जब अलेक्जेंडर अपनी बाउंड्रीज को बढ़ाते जा रहा था, अपने एम्पायर की बाउंड्रीज को बढ़ाते हुए इंडिया की तरफ आ रहा था, गंगा तक पहुंच चुका था। मतलब नॉर्थ वेस्ट इंडिया तो कवर कर लिया था, अब वो सेंट्रल इंडिया और ईस्ट इंडिया की तरफ बढ़ रहा था। तो उसके आगे ही हम लोग करते हैं, अलेक्जेंडर के टाइम मैंने बताया कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया मतलब अफगानिस्तान पाकिस्तान जो भी का रीजन है, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, ये जो वेस्टर्न इंडिया, ये पूरा का पूरा तो कवर हो ही चुका था। और इस समय धनानंद जो था वो काफी ज्यादा ऐसा रूलर था जो कि लोगों पे ध्यान नहीं देता था, तो प्रजा उससे काफी नाखुश थी, बिल्कुल उसे त्रस्त थी। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि उसको ओवरथ्रो किया जा सके, रूलर को ओवरथ्रो करने के लिए। तो इस चीज को चाणक्य ने भाप लिया कि ये जो है रूलर जनता के लिए ठीक नहीं है, तो ही इंस्टिगेटेड चंद्रगुप्त मौर्य। अब चंद्रगुप्त मौर्य कौन था, तो उसके बारे में कई सारी स्टोरीज हैं और कई सारे इसके बारे में अकाउंट है कि चंद्रगुप्त मौर्य नंद किंगडम, नंद रूलर्स का ही जो है किसी शूद्रा कंकुबाइन के साथ पुत्र था। ऐसी भी स्टोरी है कि अलग से एक मौर्य क्लान थी शाक्य क्षत्रिय की, ऐसा भी कुछ विवरण मिलता है कि वहां से ये जो है नंद आर्मी को चंद्रगुप्त ने ज्वाइन कर रखा था, एज ए सोल्जर ज्वाइन किया था, बट सेनापति और जनरल की पोस्ट तक पहुंच गया था। और ऐसे कई सारे अकाउंट मिलते हैं, कौन सा सही है पता नहीं, बट इतना जरूर है कि चंद्रगुप्त मौर्य एक हम्बल बैकग्राउंड से आया था, पुअर बैकग्राउंड से आया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य का साथ मिल गया और चाणक्य ने उसको गाइड किया, मेंटरिंग की कि कैसे जो है हमें बचाना है मगध को, अलेक्जेंडर से भी और धनानंद से भी। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी जो स्ट्रेटजी रखी वो ये रखी कि पहले उसने नॉर्थ ईस्ट ऑफ जो इंडिया था, जो नॉर्थ ईस्ट जो था, मतलब ये जो ग्रीक जो रूलर्स थे उन्होंने कंकर कर रखा था, उनके उसमें था, कब्जे में था। तो चंद्रगुप्त ने पहले तो उनको छुड़ाया और फिर चंद्रगुप्त ने क्या किया, जो नेबरिंग किंग था, एक मगध के बगल में एक दूसरा राजा था, राजा पर्वतक, पर्वतक के साथ उसने समझौता कर लिया, एलाय कर लिया, और उसने दोनों ने मिल के मगध पे अटैक करके नंद को हरा दिया और मगध को उन्होंने सीज कर लिया। नंद को छोड़ दिया था, अलग बात है, और मगध किंगडम अब चंद्रगुप्त मौर्य के अंडर आ गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य के अंडर आते ही चंद्रगुप्त मौर्य ने जो उस समय इंडिया पे जो सबसे बड़ी थ्रेट थी ग्रीक रूलर्स की, उनके साथ भी कन्फ्रंटेशन स्टार्ट हुआ। लेकिन इस समय तक अलेक्जेंडर जो की डेथ हो चुकी थी, अलेक्जेंडर का एक जनरल था जो इंडिया पे जिसका कंट्रोल था, सेल्युकस नाम से, सेल्युकस अलेक्जेंडर का सक्सेसर था। तो वो इस समय इंडिया का ओवर सी कर रहा था, वही देख रहा था। तो चंद्रगुप्त मौर्य की सेल्युकस के साथ लड़ाई हुई और ये जो लड़ाई थी ये एक तरीके से किसी एंड रिजल्ट पे नहीं पहुंची। इनफैक्ट इसका ट्रीटी के थ्रू इसका सोल्यूशन निकाला गया और ट्रीटी के थ्रू ये हुआ कि सेल्युकस ने कुछ पार्ट जो है कांधार का, मतलब अफगानिस्तान का, काबुल का, हेरात, बलूचिस्तान, ये चंद्रगुप्त को दे दिया। बाकी मगध तो था ही उसके पास। तो इंडिया जो जो आप देख रहे होगे मैप, इसमें देखिए पूरा इंडिया है और काफी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उसके आगे तक का, ईरान तक का कुछ एरिया इसमें दिखा रखा है। तो ये पूरा का पूरा मौर्यन एम्पायर चंद्रगुप्त मौर्य ने खड़ा किया था सेल्युकस से लड़ाई के बाद। सेल्युकस ने इतना दे दिया था और बाकी ट्रीटी में और भी चीजें थी कि चंद्रगुप्त ने भी सेल्युकस को कुछ एलिफेंट्स दिए थे। और एक आपने नाम सुना हो मेगस्थनीज, तो मेगस्थनीज सेल्युकस ने ही चंद्रगुप्त की कोर्ट में भेजा था इंडियन कल्चर और हिस्ट्री को समझने के लिए। और ऐसा टीवी सीरियल्स में तो देखने को मिला है, पता नहीं ईश्वर के लिए सही कि नहीं है। एक मैरिटल अलायंस भी हुआ था और एक दो के सन, मुझे नहीं याद पर है कि किसका सन, दूसरे के डॉटर के साथ मैरिज हुई थी। अब ये अलायंस
अच्छे से चाणक्य में, और जो चंद्रगुप्त मौर्य सीरियल था इसमें तो काफी एपिसोड इसके दिखाए गए थे इसकी लव स्टोरी के, बट ये मुझे याद नहीं। और लेकिन ऐसा कुछ हुआ जरूर था अलायंस में, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्यन एम्पायर खड़ा कर लिया था और ग्रीक रूलर से इंडिया को फ्री कर लिया था। अब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमें कैसे पता चला, तो बाद में अशोकन जो इंस्क्रिप्शंस थे, रॉक एडिक्स थे अशोका के में और बाकी रूलर्स के भी, उन एडिक्स में और रॉक इंस्क्रिप्शन में चंद्रगुप्त मौर्य की इन सारी चीजों का पता मिलता है। गिरनार की जो रॉक रॉक इंस्क्रिप्शन है गुजरात में है एक जगह गिरनार सौराष्ट्र में, तो वहां पे ये जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसके बारे में सारी जो है चीजें उसमें लिखी हुई है। फिर चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ये भी है कि बाद में अपने जैसे उसकी एज आगे बढ़ी तो वो जैनिस उसने जो है अडॉप्ट कर लिया था, भद्रबाहु एक जैन संत थे, और श्रावण बेलगोला ये भी शायद कर्नाटका में ही जगह है, वहां पे लास्ट ईयर उसने अपने स्पेंड किए थे। और एक जैनिज्म में एक आप बोलेंगे कस्टम होता है संथार का, जिसमें आदमी कई दिनों तक भूखा रहता है और खुद ही जो है डेथ को अपने इनवाइट करता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने भी संथार जो है किया था संथार के थ्रू डेथ, और ये श्रावण बेलगोला कर्नाटका में ही उसने चंद्रगुप्त मौर्य ने भी ये किया था। अच्छा चंद्रगुप्त मौर्य की जब बात आती है तो चाणक्य की भी बात आती है। चाणक्य का कई जगह नाम कौटिल्य मिलता है, कई जगह विष्णुगुप्त मिलता है। चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त ये एक ही पर्सन के नाम है, अलग अलग अकाउंट मिलते हैं। अर्थशास्त्र जब बात करते हैं तो कौटिल्य नाम आता है, बट कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त ये सब एक ही नाम है। मौर्यन एम्पायर का अगर कोई चीफ आर्किटेक्ट बोला जाए, जैसे मोदी के जो अभी रूल है उसका जो आर्किटेक्ट है वो अमित शाह को बोला जाता है, तो वैसे ही चंद्रगुप्त मौर्य का जो मौर्यन एम्पायर था तो उसका जो चीफ आर्किटेक्ट था वो चाणक्य था। चाणक्य बहुत ही ज्ञानवान था, बहुत नॉलेजेबल पर्सन था, उसके अर्थशास्त्र लिखी थी इकोनॉमिक्स में, पॉलिटिकल साइंस में बहुत ज्यादा चाणक्य की थ्योरी इकोनॉमिक्स में है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में है, पॉलिटिकल साइंस में है, मतलब हर उस चीज में है। और चाणक्य के कई सारे ऐसी कहावतें हैं जो मतलब लोग अपने एवरीडे लाइफ में यूज कर सकते हैं। चाणक्य बहुत मतलब विद्वान आदमी था, तो एक तरीके से उसका कंपैरिजन वेस्टर्न वर्ल्ड में मैकियावेली से किया जाता है, मतलब हर तरीके की पॉलिटिक्स, जैसे सरकार मूवी में साम दाम दंड भेद आपने देखा होगा, बिल्कुल वैसे ही टाइप की चाणक्य की पॉलिटिक्स थी। तो चाणक्य का जो है मेन कॉन्ट्रीब्यूशन अर्थशास्त्र, जहां पे उसने इकोनॉमिक्स की पॉलिसी और एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी लिखी थी वो तो थी, और मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य को एम्परर बनाने में और उसकी जो जो भी उसके किंगडम को आगे बढ़ाने में चाणक्य का काफी बड़ा रोल था। अच्छा चाणक्य के बारे में और भी पता चलता है कि वो तक्षशिला यूनिवर्सिटी में था, तक्षशिला यूनिवर्सिटी में एक ब्राह्मण था। तक्षशिला आप समझ सकते कि इस समय तो पाकिस्तान के पंजाब में चला गया है, वहां पे एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी तक्षशिला यूनिवर्सिटी, इस समय अभी तो बोलते हैं तक्षशिला यूनिवर्सिटी बट तक्षशिला पूरा नाम है। और तक्षशिला और मगध देखिए ना, तक्षशिला वेस्ट पार्ट है और मगध जो है ईस्टर्न पार्ट में है, तो चंद्रगुप्त मौर्य को जो है वेस्ट में लाने वाला चाणक्य ही था। जो चाणक्य ने जो अर्थशास्त्र लिखी थी वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पॉलिटिकल बुक्स मानी जाती है इंडिया की तरफ से जो आई थी एंशिएंट इंडिया में, और उसमें अर्थशास्त्र में कई सारे जो जो मेन फोकस है वो है कि क्या डिसिप्लिन होना चाहिए गवर्नमेंट का, ड्यूटी क्या है गवर्नमेंट की, कोर्टियर्स का क्या कंडक्ट होना चाहिए, और कैसे पॉलिसी होनी चाहिए वॉर के रिलेटेड, कॉपरेशन के लिए, इनिमी के लिए क्या पॉलिसी होनी चाहिए, सिक्रेसी, सीक्रेट एजेंट्स, रॉज और सीबीआई टाइप की चीजें, ट्रीटीज कैसे होनी चाहिए। और आगे बढ़ते हैं चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद, चंद्रगुप्त के बाद मौर्यन एम्पायर में बिंदुसार एक किंग आया। बिंदुसार जो था वो भी काफी फेमस रूलर है, और ये जो है बिंदुसार भी अपने मौर्यन एम्पायर को उसने काफी आगे बढ़ाया था। ग्रीक हिस्टोरियंस ने काफी कुछ बिंदुसार के बारे में लिखा है, आप कंफ्यूज मत होगा, पहले वाला बिंबिसार था, ये बिंदुसार है। फिर मौर्यन एम्पायर में जो हम बोलेंगे कि नेक्स्ट बिगेस्ट नेम आता है वो आता है अशोका द ग्रेट का, अशोक वर्धन।
अशोक ने अपनी जो बिगिनिंग की थी अपने पॉलिटिकल करियर की, वो की थी एज गवर्नर ऑफ तक्षशिला उज्जैन। अशोक जो है बिंदुसार का ही बेटा था। तो बिंदुसार ने अपने पुत्र को पहले तक्षशिला और उज्जैन का गवर्नर टाइप बना रखा था, और अशोका को जो बिगिनिंग थी वो एक तरीके से आप समझ लें कि काफी हिंसक थी और काफी ब्लड थस्टी था शुरुआत में अशोका, क्योंकि अशोका के कई सारे भाई थे और वो भाई भी एम्पायर के लिए लड़ते रहते थे। और अशोका के बारे में कहानी कि उसने अपने सारे भाइयों को, करीब 99 भाइयों को मार दिया था, सिर्फ एक भाई तिस्सा को छोड़ दिया था, बाकी सारे भाइयों को अशोका ने मार दिया था। तो अशोका ने मतलब अपने साम्राज्य को पाने के लिए काफी ज्यादा रक्तपात मचाया था। और ये भी आपको पता होगा, आपने अगर वो शाहरुख खान वाली अशोका मूवी देखी होगी तो कलिंग की कंक्वेस्ट काफी फेमस है, कि अशोका ने कलिंग, जो कि अभी मॉडर्न डे उड़ीसा है, वहां पे अटैक किया था। और कलिंग कैंपेन कई सालों तक चली थी और ये काफी ज्यादा हिंसक थी। और अशोका मूवी में तो इसमें एक लव एंगल डाल दिया था, करीना कपूर को कलिंगा की रानी या राजकुमारी दिखाया था, जो अशोका से लड़ने आती है और अशोका को उससे प्यार हो जाता है। बट जो एक्चुअल स्टोरी कोई नहीं जानता, बट कलिंगा जो वार था काफी हॉरिफाइंग था। कहा जाता है कि लाखों लोग उसमें मारे गए थे, लाखों लोग मारे गए थे, और इसका रॉक एडिक्स में डिस्क्रिप्शन है कि कलिंगा वॉर हुआ था। इस वॉर के बाद अशोका को वॉर की ग्रेविटी समझ में आई और उसके दिमाग पे इसका बहुत प्रोफाउंड इम्पैक्ट पड़ा। उसने कसम खा ली कि अब वो कोई लड़ाई नहीं लड़ेगा, और उसने अपने बेटों को और पोतों को यही डायरेक्ट कर दिया कि अब कोई लड़ाई नहीं होगी। और अशोका ने खुद बुद्धिज्म अडॉप्ट कर लिया। और यहां से आप ये समझ सकते हैं कि भारत जो देश था, जो किंगडम मौर्य एम्पायर के टाइम फैली हुई थी बृहद भारत की, आप समझ लेंगे कि भारत कमजोर होना स्टार्ट हो गया। यही वो टाइम था जब अशोका ने बुद्धिज्म अडॉप्ट करके अहिंसा का पाथ अपना लिया। अभी इसको अच्छा भी बोल सकते हैं, खराब भी बोल सकते हैं, बट अशोका की बुद्धिज्म अडॉप्ट करने की कहानी बुद्धिस्ट स्कॉलर्स की बुक्स में मिलती है, और बुद्धिस्ट स्कॉलर्स ने इस इंस्क्रिप्शंस भी मिलते हैं। एक पुराण भी है अशोक वर्धना नाम से, और गिरनार जो है इंस्क्रिप्शन में अशोक का इस सब सारी चीजों का विवरण है उसमें, और बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स में तो मैंने बताया है इसमें है। अशोका ने बुद्धिस्ट काउंसिल भी कराई थी, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल पाटलिपुत्र में, और उसमें अभिधम पिटक, मैंने बताया था त्रिपिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, अभिधम पिटक की रचना भी इसी अशोका की थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में की गई थी। अशोका ने बुद्धिज्म को बढ़ाने के लिए कई जगह पिलर्स जो है पत्थरों में, पिलर्स में जो है इंस्क्रिप्शंस लिखवाए थे कि ये हमारा धर्म है, ये हमें फॉलो करना है। तो ये इंस्क्रिप्शंस पाकिस्तान में, इंडिया में, नेपाल में मिलते हैं। कुछ ये रॉक एडिक्स हैं, कुछ पिलर एडिक्स हैं, कुछ जगह पत्थरों पे लिखाया गया, कुछ जगह पिलर खड़े किए गए हैं। और जो ये जो पिलर्स हैं, जो अशोकन पिलर्स, ये जो आप बोलेंगे कि जो इंस्क्रिप्शंस हैं, इनमें कुछ चीजें कॉमन है, जैसे कि जो लैंग्वेज यूज की गई है कुछ जगह ग्रीक है, कुछ जगह प्राकृत है, प्राकृत आप बोल सकते हैं कि संस्कृत का डिस्टॉर्टेड फॉर्म, पाली जैसे बोल सकते हैं, कुछ जगह अर्मिक है। और ये समझ सकते हैं कि जो स्क्रिप्ट है वो ब्राह्मी भी है, खरोस्ती भी है। कांधार अफगानिस्तान में बाइलिंगुअल है, पाकिस्तान में खरोस्ती स्क्रिप्ट है, संस्कृत की काफी क्लोज ही होती है। तो फिर उसके बाद मेन जो थीम है वो आपके अशोका का कन्वर्जन जो था बुद्धिज्म में, सोशल और वेलफेयर प्रोग्राम था, इकोनॉमिक वेलफेयर प्रोग्राम, रिलीजियस जो प्रोग्राम था। जैसे मैं कुछ रॉकेट इसका बताऊं, में एनिमल स्लॉटर बैन है, मैन और एनिमल की केयर करनी है, ब्राह्मण्स के लिए जन्माष्टमी रखनी है और पूरे मैनकाइंड के लिए जन्माष्टमी रखनी है, स्लीव्स के लिए एक पॉलिसी है, रिलीजियस टॉलरेंस, रिलीजियस धर्म क्या है, और अशोका की विक्ट्री ओवर कलिंगा, ये सारी चीजें जो हैं इसमें मिलती हैं। पिलर भी कुछ एडिक्स किए गए हैं दिल्ली में, मेरठ में, महरौली में, सारनाथ, अगर आप बनारस जाएं तो सारनाथ, अगर आप जाएंगे तो वहां पे सांची, मध्य प्रदेश में पिलर खड़े किए गए हैं। इसमें अशोका का जो पीपल्स को प्रोटेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ प्रोटेक्शन है, धर्म क्या है, सिन वर्चू,
हंसने समय नहीं रखनी है, ड्यूटी क्या है, अशोका ने धर्म की पॉलिसी को बढ़ाने के लिए क्या क्या काम किया है, तो ये सारी चीजें इनमें प्लेन इंस्क्रिप्शन में मिलती है। लेकिन देखिए, अशोका के बाद सिंस वॉर उन्होंने करना बंद कर दिया था, तो अशोका के बाद एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि जो मौर्यन एम्पायर वो डिक्लाइन करने लगा। और मौर्यन एम्पायर जब डिक्लाइन करने लगा तो धीरे धीरे जो उसकी बाउंड्रीज थी वो सिकुड़ने लगी, और मौर्यन एम्पायर घटने लगा, और बाकी जो रूलर्स थे वो छोटे छोटे रूलर्स पैदा होने खड़े होने स्टार्ट हो गए, डायनेस्टीज बनना स्टार्ट हो गए। इनमें से एक बहुत फेमस है पुष्यमित्र शुंग की शुंग डायनेस्टी, मतलब जो लास्ट रूलर था मौर्य डायनेस्टी का वेदार्थ, उसको उसके कमांडर इन चीफ ने मार दिया था, और कमांडर इन चीफ का नाम था पुष्यमित्र शुंग, और पुष्यमित्र शुंग ने एक नई डायनेस्टी स्टार्ट की थी, शुंग डायनेस्टी। तो मौर्यन एम्पायर की डिक्लाइन के रीजन बताने का तो आप समझ ही गए होंगे कि भाई रूलर्स तो अशोका के बाद वीक ही हो गए, क्योंकि उन्होंने आगे बढ़ाना ही बंद कर दिया, वॉर करना बंद कर दिया। तो अब मौर्यन एम्पायर जब अपने पूरे कंप्लीट फॉर्म में था, तो उसकी बेसिक चीजें डिस्कस कर लेते हैं कि इकोनॉमी और सोसाइटी कैसी थी। तो इकोनॉमी में एक सेंट्रल गवर्नमेंट थी, स्टेबल सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि नीचे डाउन द लेवल हायरकी विलेज लेवल तक थी, और काफी फेयरली डेवलप थी। टैक्स कलेक्ट किया जाता था, एक पॉलिसी थी, ट्रेडिंग पॉलिसी थी, चाणक्य ने डेवलप की थी, फेयर पॉलिसी थी, ट्रेडिंग होती थी, जैसे मैंने लिखा है कि मसलिन क्लॉथ, कॉटन क्लॉथ की उस समय फाइन क्लॉथ की ट्रेडिंग होती थी, बाहर भी भेजा जाता था इंडिया से। और सोसाइटी जो थी वो बटी हुई थी काम करने के हिसाब से, ब्राह्मण में फॉर्मर, सोल्जर, आर्टिजन, मजिस्ट्रेट, काउंसलर, कास्ट के डिवीजन तो वहां असम डिवीजन तो खैर था ही, और स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग हो गया था, और एक सिस्टम द्विज का स्टार्ट हुआ था, टॉइस बान। टॉइस बान में ब्राह्मण आते थे, क्षत्रिय आते थे, वैश्य आते थे, इनको द्विज बोलते थे। तो जो वैश्यास थे वो टॉइस बॉर्न थे, बट उतनी ज्यादा प्रिविलेज नहीं थी जितनी ब्राह्मण और क्षत्रिय को थी। और बाकी जो जो चाणक्य का जो बनाया सिस्टम था कि किंग है, उसके वाइस राय है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, एक सिविल सर्विस है, सिविल सर्विसेज वहां पे डेवलप हो चुकी थी चाणक्य मौर्यन एम्पायर में, रूरल ऑफिसर्स हैं, ये सब डेवलप हो चुका था। तो मौर्यन एम्पायर से रिलेटेड हम लोगों ने काफी सारी चीजें की, और मैंने एक आगे के लिए क्लू छोड़ा है पुष्यमित्र शुंग का शुंग डायनेस्टी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शुंग डायनेस्टी करेंगे। थैंक यू।